स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12th, बच्चों आपके एग्जाम कॉपी चेकिंग और रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं जिसके लिए वीडियो मैंने बनाया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हिंदी न्यूज चैनल से आई है। सीबीएसई 10th और 12th की जो मार्कशीट है उस पर मार्क्स के साथ ग्रेड भी मिल रहे हैं इस बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार आपके रिजल्ट जो होंगे, पहले जो होता था ना ग्रेड नहीं मिलता था, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि ग्रेड मिल रहे हैं इस बार। So, आप देख सकते हैं सीबीएसई ने जारी किया होने वाले 10वीं और 12वीं के अंक पत्र यानी कि जो मार्कशीट होगी उस पर मार्क्स तो होंगे ही, साथ साथ ग्रेड दिया होगा। बोर्ड सूत्रों के अनुसार अंक पत्र पर सभी मुख्य सब्जेक्ट जो होंगे विषय उसके अंक के साथ ग्रेडिंग की जा रही है। पहले ये नहीं होता था, पहले बच्चों को खुद ही करना पड़ता था। अब क्या है ना, एडमिशन में से सुविधा होती है, आप 10th में है तो 11th में जाएंगे, या कई ऐसे जगह होते हैं ना, कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ग्रेड के बेसिस पर एडमिशन मिलता है, तो वहां आपके लिए सहूलियत हो जाती है जब आपके पास ग्रेड शीट है। अगर आपका जो रिजल्ट है उसमें ग्रेड भी है, आपके मार्क्स भी है, परसेंटेज भी है, सो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब जानते हैं आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन। देखो कॉपी चेकिंग बड़े धड़ल्ले से चल रही है, ठीक है, लेकिन टीचर्स को 20 से 25 कॉपीज दी जाती है और कोई भी टीचर जो होता है ना 20 से 25 से ज्यादा चेक नहीं करता। बहुत ही सावधानी पूर्वक चेकिंग हो रही है, और ऐसा नहीं है कि मान लो कि हम ये कह दें कि टीचर का मूड खराब था, उसे नंबर काट लिया आपका तो कटा रह गया। एक एग्जामिनर चेक करेगा, वो दूसरे को देगा, दूसरा फिर कोऑर्डिनेटर को देगा, चार पांच लेवल पे वो चेक होता है, और फाइनली हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको कितना नंबर मिला है वो भी चेक होता है। उसके बाद आपका टोटल होता है, री टोटल होता है, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपके साथ कोई नाइंसाफी हो। हालांकि फिर भी कभी कभी एरर होता है, कभी कभी बच्चों के जो रिजल्ट आते हैं ना उसमें मार्क्स एरोनियस होता है, तो फिर आपके लिए कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है। हालांकि उसके पैसे देने पड़ते हैं आपको, लेकिन ऐसा प्रोसेस है। तो मार्क्स आपको लिबरल मिल रहे हैं, आप ये भी जानते हो कि आपका जो एग्जाम है वो कोविड के बाद पहली बार फुल तरीके से हो रहा है, पूरे सिलेबस के साथ हो रहा है, तो ऐसे भी थोड़ी लीनियंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो 12th के बच्चे हैं उन बच्चों ने बोर्ड नहीं दिया आज तक, और उनका 11th भी ऐसे ही गया, तो 11th और 12th साथ में रिलेटेड भी होते हैं, और 10th के बच्चे तो चलो आप छोटे क्लास हो मतलब कंपेयर्ड टू 12th, तो आपके लिए तो ऐसे भी लिबरल होते ही हैं बोर्ड। पासिंग परसेंटेज भी दोनों का 33 है, बट 10th वाले आपको थ्योरी में अगर आप मान लो कि प्रैक्टिकल 20 का 20 ले आए, तो थ्योरी में आप 13-15 मार्क्स ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। 12th वालों के साथ थोड़ा है कि 12th वाले बच्चे जो हैं वो थ्योरी में तो देखो प्रैक्टिकल में तो सब पास हो जाते हैं, थ्योरी में आपको 70-80 का है तो वहाँ पर 33% आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। हालांकि आप सब जानते हो रिजल्ट आपकी कॉपी चेकिंग प्रोसेस चल रही है, लेकिन ये इतना मैजिकल नहीं है कि तुरंत हो जाए, और सीबीएसई हर बड़ा के सबसे बड़ा बोर्ड है, 35 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सोचो इंडिया और इंडिया के बाहर के इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, और सीबीएसई की कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम बच्चे को वो पास कर ले। आउट ऑफ 35 समझो 70-80,000 अगर बच्चा फेल होता है तो ये बहुत ही छोटा नंबर है अगर परसेंटेज निकालो तो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना कि हर बच्चा पास हो, तो दैट इज व्हाई दैट नंबर इज नॉट दैट बिग। हर बच्चा अपने ऊपर डिलते गरीब फेल तो होते कि मैं ना हो जाऊँ। अगर आपने अटेम्प्ट लिया है, आप देख सकते हैं मॉडरेशन पॉलिसी भी लगा हुआ है, कुछ बच्चों के सेट्स डिफिकल्ट आए थे, मैथ्स में बच्चे परेशान है, तो आपके सेट डिफिकल्ट थे ना तो आपके लिए लिबरल मार्किंग होगी, क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई ने लगाई हुई है। अटेम्प्ट लिया है, हम आपको बार बार कह रहे थे एग्जाम से पहले कि अटेम्प्ट लेके आना, क्योंकि अगर आप पास हो रहे हो तो भी अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, और स्टेप्स लिख दिए हैं कुछ तो स्टेप के नंबर मिल जाते हैं, लेकिन अगर मान लो आप पास नहीं हो रहे हो वहां पर तो अटेम्प्ट ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि देखो सीबीएसई साइट पे दिखाती तो नहीं है कि ग्रेस मार्क्स है, लेकिन ग्रेस मार्क्स वो देती इसलिए है क्योंकि कोई बच्चा फेल ना हो, 5, 6, 7 नंबर तक का ग्रेस मिलता है, तो वो टीचर कहाँ एडजस्ट करती है, वो आपके अटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस में एडजस्ट करती है, ठीक है। आप देख सकते हो पुराने स्टूडेंट्स के रिजल्ट, आप अपने स्कूल में ही या अपने जान पहचान वाले जो वो उन बच्चों का रिजल्ट देखना जो जस्ट पास है, बहुत कम नंबर लाए हैं, उनके आप मार्क्स में देखोगे ना कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एग्जैक्टली वो पास हुए हैं, तो ऐसे रिजल्ट शीट कहाँ मिलते हैं। होगा तो मैं ऐसे रिजल्ट शीट कल आपको दिखा भी दूँ, तो ऐसे रिजल्ट शीट तब आते हैं ना जब बच्चा पास नहीं हो रहा था, टीचर ने अटेम्प्ट लेके उसको पास किया, करेक्ट। तो इसीलिए आप सबको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट जो है देखो फर्स्ट वीक में जनरली नहीं आता है मई के, ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ मई में आने के पूरे चांसेस, और 10th और 12th का साथ ही आएगा, ये नहीं है कि आज 10th का है तो अगले महीने 12th का आएगा, एक दिन के ही गैप पे आता है, ठीक है, तो एक दिन के ही गैप पे रिजल्ट आएगा हर बार की तरह। परसेंटेज पासिंग का अच्छा ही होगा, 10th का तो देखो 95 प्लस ही जाएगा,
ट्वेल्थ का 91-92% रहने के चांसेस हैं, ये प्रिडिक्शन है, हो सकता है इससे वैरी करे। और अगर हम ग्राफ देखें पीछे सालों का, तो रिजल्ट जो है ना परसेंटेज वाइज पासिंग परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल से कम रिजल्ट होंगे, पिछले साल से अच्छा ही रिजल्ट होगा। और सीबीएसई को, सिंस इट इज अ बोर्ड, ये भी चाहता है कि इसका रिजल्ट बढ़िया हो, अच्छा हो, स्टूडेंट अच्छे नंबर में पास हो। तो सीबीएसई भी ट्राई करे, जितना आपने मेहनत करना था आपने अपने एंड में कर दिया है, अब आप रिजल्ट का वेट कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। डरने घबराने से तो कुछ नहीं होगा, सो डू नॉट पैनिक। अगर आपने कॉपी खाली छोड़ी है तभी आप फेल हो सकते हैं, या आपने जो भी थोड़े बहुत अटेम्प्ट किए हो पूरा गलत है, अदरवाइज आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या अगर आपने लिखा है तब तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और टॉपर बच्चे, कई बच्चे मैसेज लिखते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे 95 है। अरे बाबा, वो ठीक है कि आप चाहते हैं, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, ठीक है। इतना परसेंटेज को बड़ा तूल नहीं देते हैं आप, देखना जितना आपके प्री बोर्ड्स में आए थे उससे 5-7% ज़्यादा ही आपको बोर्ड में आएगा, 5-7 या 10% तक इंक्रीमेंट मिलती है। कभी कभी होता है जैसे कि मान लो कि 4-5% ही बढ़ा, लेकिन बढ़ेगा ही, क्योंकि प्री बोर्ड में नंबर कटते हैं, बोर्ड में नहीं कटते, बोर्ड में लिबरली दिए जाते हैं। भले ही वो जो न्यूज़ आती है कि कॉपी खाली गई, लेकिन टीचर जो है ना फिर भी कोशिश करते हैं नंबर देने की। आपने मान लो ठीक ठाक नहीं लिखा है, वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखा है, तो भी दे विल ट्राई हार्ड कि अगर आपने पॉइंट्स लिखे हैं, कीवर्ड्स लिखे हैं, तो आपको नंबर वो दे दें। सो आप डरिए मत, घबराइए मत, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज द की। अगर हमने नहीं पढ़ा है तो अगर हम नहीं पास हुए तो हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, पढ़िए, मेहनत कीजिए, आप पास हो जाएंगे। तो एक्सेप्ट इट। अगर मान लो कि टॉपर बन गए, बढ़िया है, मान लो 95% नहीं आए, तो क्या आप सेल्फ जजमेंट में लग गए कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ या अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ? ऐसा नहीं होता, एक एग्जाम आपको जज नहीं कर सकता, ठीक है। लाइफ में आप बहुत से मौके मिलेंगे आप खुद को जस्टिफाई करने के, तो मौके दीजिए। ये पहला मौका है, दूसरा मौका है, आगे एन नंबर ऑफ मौके हैं, लाइफ इज फुल ऑफ एग्जाम्स, है ना। तो लाइफ के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं ये बोर्ड के एग्जाम। तो ये तो बस एग्जाम है, छोटे से एग्जाम है, लाइफ में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन है ये। आप इसको इतना बड़ा तवज्जो मत दीजिए कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, इसमें मुझे 95 ही चाहिए। ओके, आपका चाहना अच्छी बात है, आपने सोचा, मेहनत किया, अच्छी बात है, आपने अपनी तरफ से कर दिया। नाउ वेट फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट का इंतजार कीजिए। अगर आपको लगता है जस्टिफाइड नंबर नहीं आए हैं, आपने लिखा है, तो आप जो है वो कॉपी चेक करवा सकते हैं, दैट इज एन ऑप्शन। उसके बाद भी नंबर नहीं बढ़े तो इट्स ओके, एक्सेप्ट इट एंड मूव, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ के और अच्छा करके दिखाए और मेहनत कीजिए, सक्सेस तो आपको मिलेगी। सो आई थिंक आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और आपके अगर कोई डाउट हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।